पिछली सरकार के द्वारा जो जनमंच कार्यक्रम चलता था उसकी नकल करने का प्रयास किया। हालांकि ये सरकार जनमंच की आलोचना करती रही, परंतु अब जब महसूस हुआ कि जनता से दूरियां हैं तो उस कार्यक्रम की नकल करके ये कार्यक्रम शुरू किया। परंतु हमारा आरोप है कि इस कार्यक्रम में विपक्ष के विधायकों की अनदेखी हो रही है, उन्हें इन कार्यक्रमों में बुलाया नहीं जा रहा, जो लोकतंत्र का अपमान है, लोकतंत्र की मर्यादाओं के खिलाफ है। दूसरा, जो कार्यक्रम है भी उसमें मात्र भाषण होता है और एप्लीकेशंस ली जाती हैं, उनका कोई समाधान नहीं होता। जनमंच में हमारे समय लोग अपनी समस्या बताते थे, अधिकारी मौके पर निपटारा करते थे, इसलिए ये मात्र औपचारिकता बनी है और जो नकल की है उस नकल करने में भी ये सरकार सफल नहीं हो पाई। दूसरा मेरा आरोप है कि आधे अधूरे भवनों के उद्घाटन हो रहे हैं। स्वारघाट आईटीआई की बेसमेंट का उद्घाटन किया गया, भवन अभी बनना है, बेसमेंट एक फ्लोर धरती के नीचे वाला बना उसी का उद्घाटन कर दिया। इसलिए ये जनता के मन में जो है इस सरकार की छवि जो है वो धूमिल हुई है, हास्य का पात्र ये सरकार इसके कारण बनी। तीसरा, हमारी जो विधानसभा क्षेत्र है उनकी समस्याओं के समाधान करने में सरकार विफल रही है। हमने पहले भी मामला उठाया, विधानसभा के अंदर भी मैंने बोला कि हमारी जल शक्ति विभाग के बसी सब डिवीजन की सिंचाई स्कीम के 4 और पीने के पानी के 1 कुल 5 जेईस के पद खाली हैं, उसे तुरंत भरा जाए, उसे अभी तक नहीं भरा गया। दूसरी तरफ सिविल हॉस्पिटल नैना देवी जी एट घुंडल में 6 डॉक्टरों में से 5 पद खाली हैं जो अभी तक नहीं भरे। ये समस्या मैंने मीडिया के माध्यम से भी उठाई और विधानसभा के अंदर भी उठाई। जब विधायक द्वारा विधानसभा के अंदर जहां मुख्यमंत्री मंत्री अधिकारी बैठे होते हैं वहां उठाई गई समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, तो ये सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम जिसमें एक मंत्री आता है, एक विभाग का मंत्री आता है, वहाँ जो एप्लीकेशनें जाती हैं उनकी समस्याओं के समाधान की क्या उम्मीद करें। इसलिए ये सरकार हर फ्रंट पर फेल है, ना विकास हो रहा, ना जनता के कल्याण में योजनाएं बन रही, ना जन समस्याओं का समाधान।